मैं बहुत खुश हूं कि मेरा नाम ओलंपिक में आगे हुआ है, बट मेरा ये हक भी है क्योंकि पिछले वर्ल्ड चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीत के अपने देश के लिए रियो ओलंपिक क्वालिफाई किया था। मैं काफी अच्छा प्रिपरेशन कर रहा हूं तब से, तो ये काफी मेरे लिए खुशी की बात है कि मेरा चयन हो गया है और भारतीय कुश्ती संघ ने बिल्कुल सही डिसीजन लिया है। जो भी आज तक रेसलर आप देखेंगे, जब से क्वालिफाई राउंड चालू हुआ है ओलंपिक्स का, तो जो भी रेसलर क्वालिफाई करता है वही ओलंपिक्स खेलता है। तो हमारी मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीत कर क्वालिफाई किया हूँ और मैं ऐसा पहला रेसलर हूँ जो वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल जीतकर अपने देश के लिए रियो क्वालिफाई किया हूँ। तो ये मेरा एक हक भी है और एकदम सही डिसीजन आप कहेंगे इसको भारतीय कुश्ती संघ का ही है, क्योंकि आप ओवरऑल देखेंगे 74 kg मेरी परफॉर्मेंस सबसे अच्छी है और मैं शुरू से 2010 से लेके अभी तक कंटिन्यू अच्छा परफॉर्म करते आया हूँ। तो एक परफॉर्मेंस को देखते हुए, मेरे अचीवमेंट देखते हुए और मैंने कोटा भी हासिल किया था, तो मेरा हक बनता है कि मैं रियो जाऊं। तो भारतीय कुश्ती संघ ने बिल्कुल सही डिसीजन लिया है। इतना मीडिया इसे इतना उठा रही है, इतना कर रही है, तो एक बहुत मीडिया को मैं बोलना चाहूंगा कि ये कोई डिसीजन नहीं, जो डिसीजन हुआ है बहुत सही हुआ है और इसे मतलब ज्यादा बड़ा इशू ना बनाए, क्योंकि अभी रियो ओलंपिक्स ने पास है और कुश्ती में सभी रेसलर काफी अच्छा प्रिपरेशन कर रहे हैं ओलंपिक को देखते हुए। तो ये सब मुद्दे दबा के हमें मेडल के बारे में सोचना चाहिए, अपने देश के बारे में सोचना चाहिए। जैसे इसने जो इसकी बहुत अच्छी अचीवमेंट रही है वर्ल्ड चैंपियनशिप, जो कि आज यही एक पहलवान है जो जिसने वर्ल्ड चैंपियनशिप से क्वालिफाई किया ओलंपिक के लिए और मेडल जीता, क्वालिफाई किया ओलंपिक के लिए और जो ओलंपिक आ रही है उसमें गोल्ड मेडल जीत के लाएगा और हमारे लाखों करोड़ों जो वासी देश के हैं उनकी जो इच्छामा है उन पर खरा उतरेगा।